नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के इस अनुभूति के कार्यक्रम में मैं रंजना अरगड़े आपका स्वागत करती हूं। दर्शक मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं मेरे ठीक बाई तरफ डॉक्टर सुल्तान अहमद। आप यूं तो और वास्तव में हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और गजलकार हैं, पर इस विषय के लिए बात करने के लिए आपके पास एक और विशेषता है कि आप हिंदी के अध्यापक भी हैं। सुल्तान साहब के पास हैं डॉक्टर प्रणव भारती, आप कवियत्री हैं, गीतकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के प्रौद्योगिक रूप में आपने बहुत काम किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है नई कविता का छंद से संबंध। लगभग 61 वर्ष के ऊपर हो गए हैं कि नई कविता का आंदोलन शुरू हुआ था और हम सब लोग ये जानते हैं कि जब नई कविता का आंदोलन हुआ उसमें जो तरह तरह के विद्रोह के भाव उठे उसमें एक बात ये थी कि भी नई कविता अपने आप को छंद से मुक्त कराना चाहती थी, क्योंकि छंद की परंपरा हमारी बड़ी लंबी है। लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं कि निराला से इस शुरुआत को माना जाता है और इसीलिए नई कविता के बहुत सारे कवि जैसे शमशेर, वो निराला को अपना आदर्श मानते हैं। नई कविता की जब हम बात करते हैं तो नई कविता नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय नए पत्ते, नई कविता, प्रतीक, फिर आगे चलकर नया प्रतीक, ऐसी पत्रिकाएं चली और उन पत्रिकाओं ने 1951 के बाद लिखी जाने वाली कविता को नई कविता का नाम दिया। सवाल यह है कि हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तो हमको एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि आखिर हम कहाँ तक के कवियों को ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम तार सप्तक, उसके बाद दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, ये तीन सप्तकों के जो कवि हैं उन पर भी अपनी बात केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये बात निराला से शुरू होती है और हम सब लोग ये जानते हैं कि इस दौर में इन सप्तकों के बाहर बहुत सारे कवि थे। हाँ दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि पिछला वर्ष मुक्तिबोध की शताब्दी का वर्ष था और मुक्तिबोध नई कविता के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और इसलिए आप देखेंगे कि तार सप्तक में मुक्तिबोध को स्थान मिला है। हमारी हिंदी की जो परंपरा है उसमें एक दिशा जो है या एक चीज संभाले हुए अज्ञे हैं और दूसरा जो सिरा है वो मुक्तिबोध का है। मैं आप लोगों को इस चर्चा के दौरान इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी या हम लोग ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम जिस चीज का विरोध करते हैं वो कैसे हमारे अंदर ही होती है, ये नई कविता और छंद के संबंध में भी बड़ा स्पष्ट हो जाता है। मैंने आपसे कहा अभी कि प्रतीक और नया प्रतीक, और हम जानते हैं कि उसके संपादक जो हैं हमारे बड़े प्रसिद्ध रचनाकार हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे रहे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि अज्ञे जी के नया प्रतीक में सुल्तान जी की कविता प्रकाशित हुई थी, जो बहुत पहले अज्ञे जी यहाँ आए थे और हम सब लोग तब विद्यार्थी थे, सुल्तान जी भी विद्यार्थी थे, और तब जो संपर्क उनका अज्ञे जी के साथ हुआ तो यहाँ से जाने के बाद अज्ञे जी ने अपने इस अंक में, अपनी पत्रिका में सुल्तान जी को प्रकाशित किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सुल्तान जी आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो नई कविता और छंद का जो संबंध है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपने दो कवियों का नाम दिया, अज्ञे और मुक्तिबोध, तो उन्हीं से बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि नई कविता के बारे में ये कहा जाता है कि वो सैद्धांतिक रूप से छंद की विरोधी रही है। छंद को तोड़ने का काम निराला ने विजन वन वल्लरी, हाँ, जोही की कली से विजन वन वल्लरी प्रसोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जोही की कली, इसमें कवित्त छंद का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि वो छंद
उसके गण बहुत अनियमित हैं, इसलिए ये ठीक ठीक पता नहीं चलता है कि ये छंद पर आधारित है या नहीं, लेकिन वो उसकी लय बताती है कि ये छंद पर आधारित है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कभी भी नई कविता के कवियों ने छंद को पूरी तरह से छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो अज्ञेय जी रहे हों, चाहे मुक्तिबोध रहे हों, चाहे शमशेर जी रहे हों। अज्ञेय जी की ही एक कविता से उदाहरण लेते हैं। बह चुकी बहकी हवाएं चेत की, कट चुकी पूले हमारे खेत की, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंत की। ये रमल बहर पर आधारित कविता है और इसे हम ये भी नहीं कह सकते। मैं ये चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि रमल बहर क्या होती है। रमल बहर में फाइलातुन गण की आवृत्ति होती है, गुरु लघु गुरु गुरु, गा लगा गा, गा लगा गा, गा लगा गा। तो इसमें है मुसद्दस और इसकी इसका जो दोहराव है इसी से छंद बनता है। अच्छा, और ठीक ऐसे ही उनकी दूसरी कविता हम लें तो जैसे हम ये नदी के द्वीप की चर्चा करें। यह हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। अब ये हम नदी के द्वीप हैं, इसमें भी वही रमल छंद दिखलाई देगा। रमल छंद, ये रमल के गालगा गा फाइलातुन को दोहराया गया है इसमें, लेकिन ये इसमें उर्दू का प्रभाव मतलब रमल का, लेकिन हिंदी का जो मूल स्वाभाविक छंद जो मुझे ज्यादा लगता है वो है चौकल पर आधारित। अच्छा। जहां चौकलों का प्रयोग किया जाता है, ड गण का प्रयोग किया जाता है। मात्रिक छंद के भी अपने गण होते हैं, ट ड ढ ण, ये गण होते हैं और उनमें से ड गण ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय। ण गण की दो ही मात्राओं का, इसलिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं फिर आपको रोकना चाहूंगी कि ये जो आपने मात्रिक छंदों के जो गण बताए उस पर थोड़ी बात आप कीजिए। जैसे ये जो है हमने ट ठ ड ढ ण, तो ट छह मात्राओं का गण, इसके बाद ठ जो है वो पांच का है। अच्छा। ड जो है चार का है। हाँ। और ट ठ ड ण जो है वो जो है तीन मात्राओं का है, ण दो मात्राओं का, ये तो निरर्थक है, ण का कोई अर्थ नहीं। लेकिन दो का और इस्तेमाल होता है, सप्तकल का इस्तेमाल हिंदी में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सप्तकल के ऊपर उर्दू छंदों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और ये जो ड गण है इसने कभी अपनी स्वाभाविकता को छोड़ा नहीं। जैसे कि चौपाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसमें अब आप देखेंगे कि एक जगह पर वो गागा है, दूसरी जगह पर वो ल ल ल ल ही है। हाँ। और एक जगह पर गा ल ल है। ये अब ये क्या, इसकी जो अनियमितता है इसको इसकी तरलता भी कहते हैं और इसको साथ ही साथ इसकी क्या तरल आजादी भी कहते हैं कि जो इसमें पाई जाती है। लेकिन उर्दू छंद में जो जो हमने जिसकी रमल उसमें बड़ी शक्ति है। कैसे अच्छा। शक्ति है, जैसे संस्कृत में लघु की जगह लघु, गुरु की जगह गुरु, समानांतर ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ ये एक फर्क होता है कि जैसे संस्कृत में आप ये देखेंगे कि बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली चीजों में विरोध नहीं है। अगर वहां जल चर लिखा जा रहा है तो जल चर ही बोला जाएगा, जलचर नहीं बोला जाएगा, और हिंदी में जलचर बोला जाता है, इसकी वजह से वहां दो गुरु हो जाते हैं। तो जी मैं समझती हूँ कि हम थोड़ा रुकते हैं और फिर हम आगे अपनी बातचीत करेंगे। मैं आपसे सवाल करूंगी प्रणव जी। प्रणव जी, आप तो काफी लंबे समय से लिख रही हैं और जैसे अभी सुल्तान साहब ने बात की कि छायावाद में किस प्रकार से छंद में, मतलब छंद तोड़ते हुए भी छंद नहीं टूटा, जो लय बनती है जिसको सामान्य आदमी कहता है, तो आपकी कविताओं पर, क्योंकि आप तो कविताएं बहुत लिखती हैं और आप उस समय से लेकर आज तक लिखती रही हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो छायावाद में जो छंद था और बाद में जो नई कविता में जिस प्रकार से उसका एक तरह से स्वरूप बदला या जो भी कहें, तो इन चीजों के बारे में आप अपने जरा विचार मुझे बताएं। रंजना जी, लिख तो बहुत छोटी उम्र से रही हूँ, 12 वर्ष की उम्र से लिख रही हूँ। शायद मेरे माता पिता का प्रभाव मेरे ऊपर था, वो लोग भी लिखते थे संस्कृत में, पिताजी माँ लिखते थे।
तो मुझे पता नहीं, मैंने इसको कभी सप्रयास नहीं लिखा, वो अपने आप ही जैसे घर में एक पठन पाठन का वातावरण था उसके हिसाब से अपने आप आता गया और मैं लिखती गई छोटी छोटी चीजें। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 12 वर्ष की थी तो धर्मयुग में मेरा पहला वो छपा था, जबकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मैंने भेजा और वो छप गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक अचानक ही प्रवृत्ति किस तरह से मेरे मन में आई और हुआ, और शायद इसका प्रभाव तो जरूरी था क्योंकि हमारे घर का वातावरण ऐसा था और हमें बहुत पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता था। मैं खास ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने छायावादी कवियों को भी पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी निराला, और फिर बाद में आपने इधर के नए कवियों को भी पढ़ा, बिल्कुल, तो एक रचनाकार के रूप में और एक पाठक के रूप में भी आप कैसे उसके अंदर भेद करती हैं? देखिए, जब कोई भी पाठक किसी चीज को पढ़ता है एक पाठक के रूप में, तो स्वाभाविक है जो चीज उसके अंतस को छूती है वो चीज उसको हमेशा के लिए उसके मन में छंद की दृष्टि से तो मुझे छायावाद काफी प्रभावशाली लगा और मेरे ख्याल से मेरी अपनी कविताओं में रचनाओं में वो स्वाभाविक रूप से उतर के आया है। मैंने उसके लिए जैसे अभी बताया कि कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन उसके बाद की जो छंदस कविताएं आई, उसके बाद जो एक युग परिवर्तन की जो हम बात करते हैं या जो लोगों ने वो किया, वो बीच में इतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ या मेरे साथ मेरे और लोगों को भी हुआ होगा कि वो काफी सारा टूटा फूटा हुआ। अच्छा। ऐसा लगा मुझे उसके अंदर, ऐसा नहीं लगा कि इसके अंदर कहीं मुझे गेयता नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि छंद का मतलब है गेयता होना, गीत होना उसके अंदर। तो जब इस प्रकार की चीजें आने लगी तब ऐसा लगा कि ये कविता कहाँ जा रही है। मुझे लगता है मेरे जैसे और बहुत से लोगों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि कविता कहाँ जा रही है। चेन्नई चेन्नई फिर से कविता उतर के आई अपने, और अभी जैसे हम धीरे धीरे बात करते हैं कि हम नई कविता पे आए हैं, तो नई कविता में ऐसा तो नहीं है कि वो छंद नहीं है या वो छंद नहीं है, लेकिन गीत की गेयता तो है। और उसके बाद में ये जरूर है कि समय के प्रभाव के कारण उसमें अलग अलग तरह के परिपक्वता आई है, अलग अलग जैसे आज के मौसम पे कविता लिखी जा रही हैं, आज के माहौल पे कविता लिखी जा रही है। पहले हम एक दूसरे ही एक उसमें सपनों के युग में रहते थे, छायावाद में तो आप जानती हैं किस तरह की कविताएं लिखी गई। उसके बाद में जो एक दौर आया उसमें कविताओं का जैसे सपाटपन आने लगा, उसके बाद पुनः जब हम आए नई कविता की ओर जब हम आए उसके अंदर फिर से गीत की गेयता नजर आ रही है। मुझे लगता है कहीं भी मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने लिखा है कि गीत के अंदर गेयता होना आवश्यक है, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि गीत है, लेकिन कोई भी गीत उसके अंदर गीत हो सकता है, गेयता हो सकती है, लेकिन हर एक नई कविता को आप कविता नहीं कह सकते। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, पर मैंने पढ़ा है कहीं पे उसे। तो अभी हाल ही में लखनऊ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं निर्मल शुक्ल जी से, मधुर अस्थाना जी से, इन लोगों से मिली। निर्मल शुक्ल जी बहुत अच्छा काम इस समय नई कविता पे कर रहे हैं, उनके अभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ के आपको बताऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, नए प्रतीकों, नए बिंबों के द्वारा ये जो रचनाएं हो रही हैं आजकल ये प्रभावशाली हैं बहुत, और कहीं ना कहीं ये हमें पाठक के मन स्थल को छूती हैं। मुझे लगता है कि ये असल में आपकी बातचीत से कि वो कई सारे दूसरे विषय भी निकल आए, जैसे आप बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे अन्य चीजों पर भी चर्चा करनी चाहिए, जैसे हम मुक्त छंद कहें, अछांदस कहें या क्या कहें, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, ये सब है, लेकिन इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो हम थोड़ा सा पाठकों से, मैं कहना चाहूंगी दर्शकों से कि हम थोड़ा ब्रेक लें और फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। सुल्तान भाई, मैं जब हम लोग बातचीत अभी कर रहे थे तो एक बात मुझे लगी कि मैं आपसे पूछूं कि मुक्तिबोध जो हैं, जिनका अभी हमने शताब्दी वर्ष मनाया, तो मुक्तिबोध की कविता में जैसा प्रणव जी कह रही थी या जैसा मैं भी कहती हूं कई बार कि गेयता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुक्तिबोध की कविता में छंद की क्या स्थिति है, ये जरा आप बताएं। मुक्तिबोध छंद को लेकर के एक बात कहा करते थे कि छंद एक ऐसा माध्यम है जिससे कविता में अनुशासन आता है और उस अनुशासन के बिना कविता विन्यास के लिए जरूरी है। और मुक्तिबोध ऐसे विशिष्ट कवि हैं निराला की तरह से जो बिना छंद के या बिना छंद को आधार बनाए कविता
नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो एक जैसे कि अच्छा, और उसमें भी कठिनतम छंदों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे उर्दू बहर में मनाही की गई है कि मफ़ऊलात पर, गागा गाल पर को आधार बना करके कविता न लिखी जाए, मगर वो उस पर लिखते हैं, विद्रोही है। हाँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतः शुद्धि, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है तेरा ध्वंस, केवल एक तेरा अर्थ। अब ये ज्यादातर मफूलात पर, लेकिन इसमें जो मात्रिक छंद की आजादी या तरलता है वो भी दिखलाई जाती कहीं कहीं पर, मफूलात की जगह पर गागा गाल, वो मफूलात की जगह पर गागा लगा का भी प्रयोग हो जाता है। और अगर वो ये न करते तो ज्यादा ज्यादा बेहतर और ज्यादा शक्ति का प्रयोग होता। लेकिन और वो जो है अपनी कविताओं में बिना छंद के कविता लिखते हैं ऐसा तो लगता ही नहीं है। मिसाल अच्छा। के तौर पर भूल गलती आज बैठी है जिरह पत्थर पहनकर तख्त पर दिल के, ये मैंने जहां आज्ञा के सिलसिले में जिक्र किया था कि रमल पर आधारित कविता है, वैसे ही ये भी गालगागा की आवृत्ति इसमें दिखलाई देती है। लेकिन गालगागा की जगह पर कहीं कहीं कर गागा लगा, कहीं कहीं पर लगा गागा भी इसमें दिखलाई दे जाएगा। हाँ, एक विशेषता जो मतलब अज्ञेय में इनसे लोगों से अलग विशेषता दिखलाई दे जाती है वो ये कि अज्ञेय बिना छंद के भी लिख सकते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर डसना कहाँ सीखा, विष कहाँ पाया। या फिर जो है और भी दूसरी कविताएं भी उनकी उस तरह की मिल जाएंगी। मुक्तिबोध की तारीफ करते हुए शमशेर जी ने गजल नुमा नज्म में एक शेर कहा था, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुदा को बेगाना हो जाए। और गजल में तो गजल सख्ती की आदि है, वो जैसे ये बहरे हजज पर आधारित है, तो उसमें लगा गागा, लगा गागा इसकी आवृत्ति हुई, लगा गागा गा की जगह पर अगर कोई गाल गागा ले आएगा तो उसमें तकलीफ हो जाएगी। ऐसे मिसाल के तौर पर नई कविता का ही मैं हिस्सा मानता हूँ दुष्यंत कुमार की गजल को भी, जी जी, और बड़ी प्रसिद्ध मतलब बड़ा प्रसिद्ध उनका शेर है, ये हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। अब इसमें आप देखेंगे बीच में एक बयान है में गाल गागा गा की जगह गाल गागा की जगह पर गाल गाल ल आ गया। अब इससे कोई दर्शन, कोई दृष्टि कमजोर हो गई ऐसा नहीं होता, सिर्फ जो हर्फ की जो रवानी, हर्फों की रवानी वो टूट जाती है, और छंद का काम हर्फों को रवानी देना, इसे बहुत बढ़ा करके नहीं देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि भाई दर्शन गलत हो गया, दर्शन नहीं गलत हो जाता, लेकिन हर्फ की रवानी टूटती है और ये आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं पड़ती है, और वो बड़ी गलत प्रवृत्ति है कि ऐसा मान लें कि सबको मालूम पड़ जाए, ये सब नहीं होता है, सब कभी ना हो जाए। हाँ जी, तो ये जो चीज है दुष्यंत में भी, और इसके बाद हम जो बिना छंद के जो ये आज्ञे जी की एक कविता को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जयी होंगे राम, जयी होंगे राम, रावण मारे जाएंगे, और जो पुल बनाएंगे वो इतिहास में बंदर कहलाएंगे। इसमें भी अपना एक प्रभाव बनता है, ऐसा नहीं कि ये कविताएं चूंकि छंद में नहीं है तो इनमें प्रवाह नहीं है, बातचीत का भी अपना प्रभाव होता है, बोल चाल में भी अपनी एक रवानी होती है, ऐसा नहीं कि उसमें प्रवाह ना हो, उस प्रवाह की भी अपनी कीमत होती है। तो हमें तीनों तरह की कविताओं पर नजर रखनी चाहिए, तीनों तरह की कविताओं को, छंद से बंधी हुई कविताएं भी हो सकती और नई कविता में भरपूर हैं, और छंद से अलग हटकर जो कविताएं, मान लीजिए कि अब हम शमशेर जी की जो छंद में हैं और छंद के बाद छंद और ये छंद को भी जोड़ती है और गद्य को भी, हाँ, जैसे बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, हाँ,
सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे। अब इसमें जो आप देखेंगे बात बोलेगी हम नहीं फाइलातुन मफाइलुन का दोहराव दिखलाई देगा और इसके बाद फिर वो फिर गद्य में चली जाती है, फिर वो छोड़ देती है जो है अपने छंद की दुनिया को छोड़ती है। ये प्रयोग वो किया करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रणव जी कि ये जो आपकी कविता में जब आपने मुक्त छंद लिखा या आपने छंद में लिखा तो आपने अपने आप को किसमें ज्यादा एक तरह से सुकून पाया कि कौन सी कविता आपको ज्यादा अच्छी लगी? मैं शुरू से मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सप्रयास कुछ नहीं किया, वो निकलता गया और मुझे ऐसा मुझे क्या ऐसा लगा, सबको ऐसा लगा जिन्होंने पढ़ा मुझे सुना कि क्योंकि शायद मेरे अंदर संगीत का थोड़ा सा एक प्रभाव है उसकी वजह से थोड़ी रागात्मकता ज्यादा रही और उसके कारण वो अपने आप ही लयबद्ध होते चले गए, अपने आप ही उसके अंदर छंद निहित हो गया जबकि मैंने कोई ऐसा प्रयास कभी किया नहीं था। तो इसी तरह से जबकि एक बार मैं जब एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि 17 वर्ष की थी तब मैंने एक कविता लिखी थी कि तुम सपनों को सतरंगी रेशम से बुनते मैं केवल रोटी के टुकड़ों में खोया था, तुम उड़ती फिरती कोमल तितली सी मैं केवल चूल्हे में आग जली देखा करता था। तो अभी पिछले दिनों जैसे मैंने बताया कि मैं लखनऊ गई थी तो वहां चर्चा हुई थोड़ी इस बात की, तो उन्होंने कहा ये तो आपकी नई कविता है, तो मैंने बोला ये तो जब मैं 17 साल की थी मैंने तब लिखी थी, अब इसमें नई कविता का क्या है या इसमें क्या है, अंदर छंद भी आ रहा है उसके यहाँ इससे शुरुआत की, लेकिन मुझे स्वयं कुछ पता नहीं था कि मैं छंद लिख रही हूँ या छंद लिख रही हूँ। लेकिन जब बिल्कुल बहुत आगे हम बढ़े, हमने पढ़ा बहुत से लोगों का और उसमें जब हमने अछांदस कविताएं पढ़ी और उसका कुछ प्रभाव मन पे नहीं पड़ा तो मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी हट गई अछांदस कविताओं से, फिर जैसे धीरे 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 और गंभीरता आती गई उसके बाद में फिर अपने आप ही अछांदस का लेखन मेरा शुरू हुआ। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, ये बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई। मैं ये बताना चाहूंगी, एक टुकड़ा पढ़ना चाहूंगी और आप देखिए कैसे उसमें फर्क है। हो गया कंपित शरद के शांत जीने ताल सातन, आह करुणा का अयाचित एक झोंका सांत्वना की तरह मन की सतह पर लहरा गया। हम अगर बहते मिले तो कहोगे भी कि हाँ पहचानते हो, पर जो बीत गए हैं कठिन अभावों के क्षण कहीं वहीं तो नहीं रह गया वह सरल महत्वाकांक्षी मन, आह उसके बिना तो अधूरा है वह हर सपना जो हुआ पूरा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो मैंने पूरा पढ़ा ये 3 अलग कवियों का था, एक साही का था, एक निराला का था और एक कीर्ति चौधरी का। मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस चर्चा के दौरान जो सुल्तान अहमद जी ने बातें की और उन्होंने जिस तरह से जिसको मैं लयात्मकता कहती हूँ उसको उन्होंने जिस तरह से रमल या उर्दू के छंदों के साथ जोड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि नई कविता में जो बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि उसमें छिपे हुए छंद हैं और फिर गद्य का अपना छंद तो होता ही है, वो भी इन कविताओं में आ गया, लेकिन फिर भी नई कविता का छंद से बड़ा गहरा संबंध है और मुझे लगता है कि इस संबंध पर नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। मैं अपने साथियों के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण इस चर्चा में योगदान दिया, पर मुझे लगता है कि ये चर्चा अभी बहुत कम है और कोई और आयोजन हो जिसमें हम बकायदा इस पर चर्चा कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, आप अवश्य इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दीजिए और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की चर्चाएं और होनी चाहिए तो आप जरूर यहां पर सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।